हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद अरविंद हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रतिदिन की तरह आज फिर 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो हल करवाई जाती है तो आज है आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 22 जो आप सबकी आगामी परीक्षा यू पी टी जी आदि एग्जामों में जो है परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है तो किस कलाकार को जो है भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए अवनीन्द्रनाथ टैगोर या अवनी ठाकुर बी ई वी हैवेल सी नंदलाल बोस डी गगने नाथ ठाकुर तो प्रश्न संख्या एक का आंसर होगा ऑप्शन बी इवी हैवेल को जो है भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है और अगर बताया कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है तो अवनी टैगोर को अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए ई वी हैवेल बी यमनी राय सी अवनी टैगोर डी गगनेन्द्र टैगोर तो प्रश्न संख्या टू का आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी तो गगने टैगोर ने की थी आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि क्या पूछा है तब जवाब दिया करिए या नोट किया करिए इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की है तो गगने नाथ टैगोर ने की है अगला प्रश्न है ए वी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आवाहन किया था तो ए वी हैवेल के अलावा जो है किस महान लेखक ने जो है पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आवाहन किया था ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन बी रविन्द्रनाथ टैगोर सी आनंद कैटिस कुमार स्वामी डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न संख्या तीन का आंसर होगा ऑप्शन सी आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने जो है पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था अगला प्रश्न है आनंद कैटिस कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो आनंद कैटिस कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ऑप्शन ए भारत में बी श्रीलंका में सी चीन में डी जापान में तो प्रश्न संख्या चार का आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका में हुआ था अनंत कैटिस कुमार स्वामी का जन्म जो है श्रीलंका में हुआ था अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे ऑप्शन ए अवनेन्द्र बी एवी हेवेल सी गगनेन्द्र नाथ टैगोर डी लॉर्ड किचनर तो यहाँ पे इससे पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंडियन सोसाइटी आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे तो प्रश्न संख्या पाँच का आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है कि प्रथम संस्थापक प्रथम संस्थापक यानी लॉर्ड किचनर हैं और उसके बाद इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना की थी गगने टैगोर ने तो प्रश्न थोड़ा सा अंतर है बस इसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की बात की है और इसमें जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक की बात की है तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या पाँच का लॉर्ड किचनर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छः इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे ऑप्शन ए तीस अंग्रेज़ तथा पाँच भारतीय बी पाँच अंग्रेज सॉरी बी तीस अंग्रेज तथा पाँच जापानी सी पाँच अंग्रेज तथा तीस भारतीय डी इनमें से कोई नहीं प्रश्न संख्या छः का आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जो है कुल पैंतीस सदस्य थे जिसमें से तीस अंग्रेज थे और पाँच भारतीय सदस्य थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है अठारह सौ सत्तासी ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे तो अठारह सौ सत्तासी ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे ऑप्शन ए लॉर्ड किचनर बी आनंद कुमार स्वामी सी ई e. वी हैवेल डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न संख्या सात का आंसर होगा ऑप्शन सी ई e. वी हैवल अठारह सौ सत्तासी में जो है मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक थे ई e. वी हैवल तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अगला प्रश्न है कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी ऑप्शन e, है अवनी अवनी बाबू बी रवीना टैगोर सी ए वी डी आनंद कुमार स्वामी तो प्रश्न संख्या आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कला एवं स्वदेशी पुस्तक जो नामक पुस्तक लिखी है आनंद कुमार स्वामी ने अगला प्रश्न है याकोहामा ताइकान तथा हिस्दा नामक दो जापानी चित्रकार अवनीनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे ऑप्शन ए पाँच वर्ष बी तीन वर्ष सी चार वर्ष डी दो वर्ष तो प्रश्न संख्या नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ती ऑप्शन डी हो जाएगा दो वर्ष याको हमा ताइकानता और हिशदा नामक जो जापानी चित्रकार थे अवनी नाथ टाइगोर के घर में कितने वर्ष रहे हैं तो दो वर्ष रहे हैं तो प्रश्न संख्या नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था ऑप्शन ए जोगी मारा बी बाघ सी अजंता डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न संख्या दस का आंसर होगा ऑप्शन सी कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को जो है अजंता भेजा गया था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है जोगी मारा के भित्ति चित्रकारी जोगी मारा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपियाँ असित कुमार हल्दरा और समरेंद्र गुप्त ने किस सन में बनाई थी ऑप्शन ए 1914 बी 1915 सी 1912 सौ डी उन्नीस सौ तेरह तो प्रश्न संख्या ग्यारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असित कुमार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने जो है जोगी महाराज की गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी उन्नीस सौ चौदह में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बारह हल्दार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा को बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी तो असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी ऑप्शन ए 1917 बी 1922 सी 1910 डी 1921 तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नीस सौ बाई उन्नीस ईस्वी में जो है असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी तो प्रश्न संख्या बारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तेरह अजंता में अजंता के रंग चित्रों की प्रतिलिपिया एन एस गुप्त समरेंद्र गुप्त वेंकटप्पा नंदलाल बोस तथा हलदार ने किस सन में बनाई थी तो अजंता की प्रतिलिपियां यह सभी कलाकारों ने किस सन में बनाई थी ऑप्शन ए उन्नीस बी उन्नीस सी उन्नीस डी उन्नीस तो प्रश्न संख्या तेरह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नीस में जो है अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी और उन्नीस में बागुफा के प्रतिलिपियाँ तैयार की थी और उन्नीस उन्नीस सौ चौदह में जोगी मैरा के वित्तीय चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की थी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौदह अनिंद्रनाथ नाथ ने जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ ऑप्शन ए पुनरुत्थान स्कूल बी पटना स्कूल सी कलकत्ता स्कूल डी बंगाल स्कूल तो प्रश्न संख्या चौदह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तो यहाँ पे जो है ए और डी दोनों आंसर हो सकता है तो अवनी ने जिस छोटे से स्कूल आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ पुनरुत्थान स्कूल या बंगाली स्कूल के नाम से तो यहाँ पे यह ए और डी दोनों आंसर हो सकता है क्योंकि पुनरुत्थान काल को काल से ही जो है अवनीनाथ टैगोर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो पुनरुत्थान स्कूल भी कहा जा सकता है इसका दूसरा नाम और बंगाल स्कूल के नाम से यह प्रसिद्ध हुए हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पंद्रह सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शन मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए गए जिससे किस दूसरी शैली को अपनाया गया तो सर जजे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शन में कौन से प्रयोग किए गए जिससे किस दूसरी शैली को अपनाया गया ऑप्शन ए डाडा शैली दादा शैली बी यूरोपियन सुरियलिज्म शैली सुर रियलिस्टिक शैली सॉरी यूरोपियन सूरियलिस्टिक शैली सी मिश्रण स्वर्ण संकर शैली वर्ण संकर शैली डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न संख्या पंद्रह का आंसर होगा ऑप्शन ए दादा शैली को दादा शैली को अपनाया गया दूसरी जो शैली थी वह दादा शैली थी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सोलह शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया गया या किया जाता है किस कलाकार को शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है ऑप्शन ए अवनीरनाथ टैगोर को बी नंद लाल बोस को सी रविनाथ को डी ई वी हैवेल को तो प्रश्न संख्या सोलह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनी नाथ को जो है शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से भी संबोधित किया जाता है तो प्रश्न संख्या सोलह का आंसर होगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सत्रह भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है तो भारतीय तो चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है ऑप्शन ए मनीषी डे बी नंदलाल बोस को सी अवनी नाथ ठाकुर को डी आशीष कुमार हल्दर को तो प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसमें जो है पूछा है भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवनीरनाथ ठाकुर को अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अठारह अठारह सौ इकहत्तर में जोड़ा साखों में किस कलाकार का जन्म हुआ था ऑप्शन ए गगने नाथ का बी अवनीन्द्रनाथ का सी रविनाथ का डी यमनी राय का तो प्रश्न संख्या अठारह का आंसर होगा ऑप्शन बी अवनीन्द्रनाथ का जन्म जो है अठारह में हुआ था और रविनाथ का जन्म अठारह में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या उन्नीस अवनीन्द्रनाथ के चित्र भारत माता तथा दीप किस तकनीकी में बने हैं ऑप्शन ए है, ईरानी बी भारतीय सी जापानी डी चीनी तो प्रश्न संख्या उन्नीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी तकनीकी में बने हैं जापानी वास तकनीकी में तो प्रश्न संख्या सोलह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी प्रश्न संख्या उन्नीस सोलह नहीं उन्नीस प्रश्न संख्या है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बीस अवनीन्द्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने तो so, अवनीद्रनाथ जो हैं वह कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कब बने ए उन्नीस सौ पाँच बी उन्नीस सौ दस सी उन्नीस सौ दो डी उन्नीस सौ सात तो प्रश्न संख्या बीस का आंसर होगा ऑप्शन ए उन्नीस सौ पाँच में जो है अवनीन्द्रनाथ कलकत्ता स्कूल ऑफ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नीस सौ पाँच अगला प्रश्न है मुखौटों से अवनीन्द्र ने क्या उजागर किया तो मुखौटो से अवनी ने क्या उजागर किया है ए सामाजिक अच्छाइयों को बी सामाजिक बुराइयों को सी धार्मिक अच्छाइयों को टी इनमें से कोई नहीं प्रश्न संख्या इक्कीस का आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक बुराइयों को जो है अवनीन्द्रनाथ ने मुखौटों के माध्यम से उजागर किया है तो प्रश्न संख्या इक्कीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बाईस अवनी ने रविंद्र की पुस्तक अवनीन्द्रनाथ ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रंगदा के लिए कितने रेखांकित या रेखाचित्र बनाए ऑप्शन ए सोलह बी बत्तीस सी छत्तीस डी अठारह तो प्रश्न संख्या बाईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए अवनीन्द्रनाथ ने कुल जो है बत्तीस चित्र या रेखा चित्र बनाए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बत्तीस अगला प्रश्न है अवनी अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं तो ऑप्शन ए लगभग बीस बी लगभग उनतीस सी लगभग चालीस डी लगभग पैंतीस तो प्रश्न संख्या तेईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनी बाबू ने लगभग बीस पुस्तकें लिखी हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग बीस अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौबीस रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था ऑप्शन ए रविनाथ टैगोर बी यामिनी राज यामिनी रॉय सी अवनी या अवनी नाथ टैगोर डी गगनेन्द्र नाथ टैगोर तो प्रश्न संख्या चौबीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानी चंदा जो है वह अवनी नाथ टैगोर की शिष्या थीं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवनी अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है अवनी नाथ की शैली को क्या कहा जाता है ए स्वच्छंदतावादी बी प्रतीकवादी सी प्रभाववादी डी समन्वयवादी तो प्रश्न संख्या पच्चीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समन्वयवादी कहा जाता है अवनी नाथ टैगोर की शैली को समन्वयवादी कहा जाता है तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार आंसर को लिया गया है कि अगर इसमें वास्त शैली होता है तो वास्त शैली आंसर होता परंतु यहाँ पे समन्वयवादी सही होगा तो कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताया करिए और प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो इसी के साथ आज की श्रृंखला समाप्त करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो